मॉर्निंग ऑल। सो आज का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर हल्की हल्की धूप भी है। और आज मैं बनाऊंगी मैगी ब्रेकफास्ट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल मैगी बनाई है आज, और ताकि मतलब हेल्दी भी हो, वेजिटेबल्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। और चलिए चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, कर लेते हैं। एंड एक घंटे बाद मैं करूँगी एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट विथ माई फेवरेट मैगी। किसकी किसकी फेवरेट है मैगी कमेंट करके बताइएगा, स्पेशली वेजिटेबल मैगी। सो आई जस्ट लव इट, एंड इवन आटा मैगी इज़ ऑल्सो गुड। सो ओके, नाउ आफ्टर 1 आवर विल स्टार्ट एक्सरसाइज। आज बेली फैट एक्सरसाइज करेंगे, थाइज एक्सरसाइज करेंगे, एंड हिप्स एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग विथ शोल्डर, ये मैं 20 रिपीटेशंस करूँगी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। Hand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next hand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we'll start bending down. आपको डाउन बेंड करना है, टोज को टच करना है, एंड यू हैव टू काउंट 20 एंड देन गेट बैक। 20 काउंट करने के बाद गेट बैक। नाउ बॉल एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नाउ बैक वॉल एक्सरसाइज पुश करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो ये मैंने टोटल 30 किया है। सो फोल्ड योर हैंड लेफ्ट लेग देन राइट लेग टुवर्ड्स आउटर साइड। सो दिस एक्सरसाइज इज़ फॉर थाई फैट। इफ़ यू हैव फैट्स इन योर थाइज देन डू दिस एक्सरसाइज फॉर अबाउट 20 रिपीटेशंस। स्टार्ट विथ 10 एंड देन 20। फर्स्ट स्टार्ट विथ लेफ्ट लेग और राइट लेग, वट एवर यू कम्फर्टेबल विथ, एंड देन यू कैन काउंट 20. Then next leg again start and then count 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now stretching your hand towards upward. 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। नेक्स्ट आपको बैठना है एंड लेफ्ट लेग आपकी राइट लेग के पास एंड राइट लेग आप स्ट्रेट रखें एंड दोनों हैंड को आप अपने टोज से टच करें। सो दिस वे आई हैव डन फाइव रिपीटेशन, सो डेली इसे इंक्रीज करना है टिल 10 रिपीटेशन। सो ये थाइस फैट घटाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, डेली करें। सो इस तरह से मैंने 10 रिपीटेशन किया है। नेक्स्ट हम बटरफ्लाई पोज करेंगे। बटरफ्लाई स्पेशली वेस्ट एंड थाइस के लिए होता है। स्ट्रेट बैठना है एंड देन दोनों हैंड को अपने टोज से टच करना है एकदम स्ट्रेट। सो इस तरह से आप 5 रिपीटेशन करें। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो काउ एंड कैट पोज एक्सरसाइज है। ये बहुत सिंपल है, ये स्पेशली बेली फैट के लिए है। ब्रिंग योर बेली टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड लुक अप इन द स्काई, बैक इन द काउ पोज एंड मेक एन आर्क फ्रॉम योर बैक बेली टुवर्ड्स द ग्राउंड, कीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोबरा पोज करना है एंड दैट इज फॉर 10 रिपीटेशंस। सिट डाउन लाइक दिस फॉर 2 to 3 minutes इन दिस पोज टू रिलैक्स योर सेल्फ। इसके बाद आपको अगेन बेंड करना है अपना दोनों हाथ टूवर्ड्स इन फ्रंट एंड पैरेलली आपको अपने थाइस पे बेंड होना है। सो दिस पोज यू नीड टू डू एटलीस्ट 10 रिपीटेशंस। नेक्स्ट हमें साइकिल चलाना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सो फ्रेंड्स, ये सारी एक्सरसाइज जो है ये मैं खुद पर्सनली कर रही हूँ अपने लिए एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट ऑल दिस एक्सरसाइजेस इज वेरी मच रिलैक्सिंग एंड मुझे इससे काफ़ी रिलैक्स मिला है एंड आई थिंक आई एम गेटिंग रिजल्ट्स ऑल्सो। सो ये मेरा बस पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं 75 days फॉलो कर रही हूँ। सो वट एवर आई एम डूइंग आई एम शेयरिंग विद यू गाइज, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई ऑल दिस एक्सरसाइज एट होम। नेक्स्ट इज सेम पोजिशन में आपको लेटना है एंड लेफ्ट एंड राइट थाइस आपको इस तरह से करना है फॉर 20 रिपीटेशन। ओके, नेक्स्ट जो हम डेली करते हैं काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये स्ट्रेचिंग है, लेग स्ट्रेचिंग है एक्सरसाइज। इस तरह से मैंने 20 to 25 रिपीटेशन किया है। सो इसे आपको ध्यान से करना है, लेग आपका स्ट्रेट रहे।
चलिए अब चलते हैं लंच की तरफ। मैंने बनाई है गोभी की सब्जी। तो ये आलू गोभी मटर की मैंने सब्जी रेडी की है। मिक्स है, लाइक ज़्यादा थिक नहीं है, ज़्यादा पानी नहीं है इसमें। मैंने नॉर्मल ग्रेवी रखी है राइस के साथ खाने के लिए। और आज मैंने सोचा है डिनर में कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं, सो मैं डिनर शेयर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ आज का खाना काफ़ी हैवी है। मैं चपाती के साथ ये सब्जी खाने वाली हूँ एंड इवनिंग में फ्रूट्स लेने वाली हूँ। सो यस, दिस इज़ माय ओवरऑल टुडेस मीन्स माय डाइट एक्सरसाइज। एंड इसके बाद हम खाने के बाद चल देंगे वॉकिंग के लिए। एंड बस यहाँ तक की मेरी जर्नी है आज की, और डे 6 में आपके साथ मिलूँगी। आपको कैसा लग रहा है वीडियो बताइएगा। और चलिए पहले लंच कर लेते हैं। तो लंच बहुत ज़्यादा यमी था, बहुत सिंपल सब्जी है, बहुत ऐसे स्पाइसी नहीं बनाया है मैंने। तो आपको 75 डेज़ में बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, सो मैं ये सारी चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। एंड अब चलते हैं वॉक की तरफ। तो मैंने 30 मिनट वॉक किया है, 45 मिनट नहीं कर पाई, 30 मिनट किया है। तो यस, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ इट ऑल यस, तो मिलते हैं डे 6 पे। क्या करती हूँ मैं, क्या क्या खाती हूँ मैं, सब शेयर करूँगी।